खाने पीने की चीजों में मिलावट खोर मिलावट करके आपकी जिंदगी से किस कदर खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं, इसका अंदाजा आप मंगलवार की घटना से लगा सकते हैं। बीती रात झांसी जनपद के बबीना कस्बे के शास्त्री नगर इलाके में एक शादी का खाना खाकर लगभग एक सैकड़ा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। डॉक्टर की माने तो इस फूड पॉइजनिंग की वजह या तो तेल में मिलावट या मावे में मिलावट हो सकती है। कल रात 2 बजे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना पर उल्टी दस्त की शिकायत करते हुए मरीजों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज सुबह लगभग 100 के करीब पहुंच गया, जिन्हें अस्पताल से इलाज देने के बाद घर भेज दिया। एक ही जगह पे शादी में खाना खाया है या तो शादी का कुछ खाना खराब हो गया, ये फूड पॉइजनिंग की दिक्कत थी, या तो मावा में दिक्कत या तेल खराब हो या कोई खाना खराब हो, उसकी वजह से ये दिक्कत। हमारे अस्पताल में लगभग 2 बजे से मरीजों का आना शुरू हुआ है और 88-90 के करीब पेशेंट आए, जिसमें से 10 या 12 हमने भर्ती किए, उनको पूरा ट्रीटमेंट किया, बाकियों को देख के उन्हें सबका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन कोई भी मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, सबको यही हैंडल किया गया और दवा दे के घर गए। खाने पीने की चीजों में मिलावट खोर मिलावट करके आपकी जिंदगी से किस कदर खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं, इसका अंदाजा आप मंगलवार की घटना से